फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है महिंद्रा XUV 700 ADAS रेडार बेस्ड फीचर्स रोड टेस्ट लेन कीप असिस्ट एंड मोर। तो चलो देखते हैं भाई फीचर्स मेरे ख्याल से दिखाएंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं XUV 700 के रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में, कैसे वो काम करते हैं हम टेस्ट करने वाले हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक्स, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स और जो ट्रैफिक जो स्पीड साइंस होते हैं उसको गाड़ी कैसे रीड करती है वो हम टेस्ट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइज अभी एक्टिवेट हमने किया है ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और अब आगे अब अगर देखेंगे तो गाड़ी चल रही है। मैंने एक्सीलेटर से अपना पैर हटाया हुआ है, स्टेयरिंग व्हील से मैंने हटा लिया है क्योंकि और अब ये डिस्टेंस को मेंटेन करेगी जैसे आगे वाली गाड़ी चलेगी। अपने क्रूज कंट्रोल वाला, क्रूज कंट्रोल क्या है? तो क्रूज कंट्रोल में रुक भी जाती है क्या? अगर आगे वाली रुक गई तो ये रुक जाएगी, वो चलेगी तो ये चलेगी और अपना स्पीड मेंटेन करेगी। हमें तो यूज किए हैं सदियों। और अभी ये सिर्फ जो आगे गाड़ी चल रही है उसको फॉलो कर रही है, अगर वो गाड़ी रुक रही है तो ये रुक रही है। नॉर्मली ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर ऐसा होता है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर की बार बार एक्सीलेट करना पड़ता है, तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वहां पर आपकी काफी मदद करने वाला है। साथ साथ इसमें लेन कीप असिस्ट दिया गया है, जो दोनों लेन्स की जो मार्किंग है उसको ये जो कैमरा यहाँ पे रडार लगा ये रीड कर रहा है और गाड़ी को सेंटर में रखने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा देर तक तो नहीं कर पाएगा और हाई स्पीड के ऊपर नहीं कर पाएगा, जैसे अभी वार्निंग आई है तो कहीं ड्राइवर सो ना जाए या उन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस फीचर को ऐसे डेवलप किया गया है कि बार बार आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा स्टीयरिंग के अंदर। अब आगे तो गाड़ी कोई नहीं है बट लेन की असिस्ट कैसे काम करने वाला है वो हम देखने वाले हैं। 60 की स्पीड पे मैंने क्रूज को सेट किया है, दोनों तरफ लेन की मार्किंग है और अगर मैं उधर जाने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिए लेन के अंदर ले आई और इधर भी लेन है तो दोनों लेन्स के बीच में ही गाड़ी चलेगी। ये एक कमाल का फीचर है। अभी भारत के अंदर 20 लाख की प्राइस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लेन की असिस्ट आता है टी रोक के अंदर। तो अभी क्रूज सेट किया गया है 60 के ऊपर और लेन की असिस्ट भी काम कर रहा है और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी काम कर रहा है। तो अभी ऑटो है सामने और गाड़ी ने अपने आप ब्रेक लगाने चालू कर दिए हैं, मैं ब्रेक मैंने नहीं लगाए हैं तो डरी लगे। दूर से ही अपने आप गाड़ी ने रीड किया रडार ने और अब हम ऑटो को फॉलो कर रहे हैं 30 की स्पीड के ऊपर और अगर आप यहाँ देखेंगे तो वही 30-32 के आसपास की स्पीड है गाड़ी ऑटो को फॉलो कर रही है। लेन की असिस्ट काम कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ मार्किंग्स हैं प्रॉपर। अभी अगर आप देखेंगे तो मीटर के ऊपर कोई साइन नहीं है और सामने एक जो स्पीड लिमिट का साइन लगाया गया है 80 का, तो ये 80 का एक साइन लगा हुआ है यहाँ पर। सेंस कर ले। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अब वो स्पीड का जो साइन था वो गाड़ी ने रीड किया है और ये तो बहुत अच्छा है साइन ही रीड कर रहा है। 60 के ऊपर गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो गई है क्योंकि काफी एक इंक्लाइन था एक साइड में ये, तो ये काफी कमाल के फीचर हैं। अगर मैं बात करूं भारत में 2-3 साल पहले तक इस तरह के फीचर्स लग्जरी कार्स के अंदर भी नहीं आते थे। वॉल्वो ने XC90, XC60 और XC40 के अंदर ये फीचर्स दिए थे और उन गाड़ियों का प्राइस 40 लाख से काफी ज्यादा है और ये गाड़ी जो लॉन्च की गई है वो की गई है 11.99 लाख रुपीज के अंदर। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट मेरे हिसाब से 20 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट करना चाहिए और उस कीमत के अंदर आपको सारे लग्जरी फीचर्स मिल रहे हैं। साइड का भी कैमरा है, फीचर्स हैं वो आपको मिल रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। काफी बड़ी सनरूफ मिलेगी आपको। अब हम टेस्ट करने वाले हैं AEB ऑटो इमरजेंसी ब्रेक्स को और 20 की स्पीड में हम गाड़ी को ड्राइव करने वाले हैं और सामने अगर आप देखेंगे तो एक डमी रखा हुआ है, ब्रेक मारेगा। ये मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं करे, गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किए हैं।
एकदम से डिटेक्ट करके कि आगे कोई आ गया। देखने में अच्छा लग रहा है, सुनने रहे थे पर अब तो देख रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे AEB जो इमरजेंसी ऑटो इमरजेंसी ब्रेक है वो काम करता है। अभी गाड़ी लगभग 25 की स्पीड में थी, मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, गाड़ी ने अपने आप ब्रेक अप्लाई किए हैं क्योंकि रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने कैसे कैसे जो रडार बेस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं उनको टेस्ट किया है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल को, इमरजेंसी ऑटो इमरजेंसी ब्रेक को हमने टेस्ट किया है, उसके अलावा लेन कीप असिस्ट हमने टेस्ट किया है, और इस तरह के काफी सारे कमाल के फीचर्स मिले हैं महिंद्रा XUV700 को। तो फ्रेंड्स कमाल हो गया यार, हमारे टाइम में तो नहीं होती थी इंडिया में, अब क्या बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आने लग गई हैं, कमाल है। तो क्रूज कंट्रोल तो हमारे पास भी है तो वो हमें दिख रहा था, पर इस क्रूज कंट्रोल में वो ब्रेक लगा के स्लो करके फिर से उस स्पीड से जा रहा है। अब मुझे नहीं पता, मुझे तो सालों हो गए, मैंने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है क्रूज कंट्रोल, जबकि हमारे है, मुझे नहीं पता हमारी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल की क्या फीचर है, क्या वो भी ऐसी चलती है कि वो तेज जा रही है फिर रुकेगी? नहीं, हमारे पास रेगुलर क्रूज कंट्रोल है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ये टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, तो उसके बाद टेक्नोलॉजी आई है अडैप्टिव। वाह। वो गाड़ी हमने चला रखी है, जब भी हम कोई रेंटल कार वगैरह लेते हैं उसमें अडैप्टिव, तो उसमें काफी अच्छा होता है कि आपको सिरदर्दी नहीं होती, कि आपको रिड्यूस नहीं करनी, आगे वाले से देख के वो अपने आप ही रिड्यूस कर रहा था, आगे तेज जाता है वो खुद ही, और आप रेंज भी कर सकते हैं कि कितनी ड्यूरेशन के बाद आप स्लो करना शुरू करिए या तेज करना शुरू करिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको लगता है अरे यार अभी रुक रहे हैं, वो तो बहुत दूर है, तो आप उसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं कि पास आने के बाद ही रुके, तो वो काफी अच्छा। पर डेंजरस था, मैं तो नहीं यूज कर सकती, मुझे तो कंफर्टेबल नहीं होता कि भैया पता नहीं मशीन कुछ गड़बड़ ना ज्यादा कर दो तो वो। मगर यहाँ पे कुछ चीजें काफी समय से थी, स्पेशली लेन असिस्ट वाली, कि अगर लेन से ये नहीं कि स्टेयरिंग वापस आएगा, अगर आप लेन से बाहर जा रहे हैं तो बीप भी नहीं, आप कई बार आपका स्टेयरिंग शेक करने लग जाता है कि आपको वेक करने के लिए, क्योंकि पंगा है तो स्टेयरिंग शेक करता है, या आप कभी इंडिकेटर दें बिना इंडिकेटर के टर्न करें इधर, तभी स्टेयरिंग शेक करेगा कि तुम यहाँ को जा रहे हो। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं काफी देर के लिए, मान लीजिए 4-5 घंटे, तो मैसेज आ जाते हैं कि भैया सो तो नहीं गए, रेस्ट लो, ये वो, यू नीड टू टेक अ रेस्ट। या फिर अगर स्टेयरिंग में उसको लगता है कि कोई अभी सीधा चला रहा है मगर अब धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, वो नींद जैसे आती है आपको, तो भी अलर्ट करता है कि कोई चक्कर है, कि तुम्हारी मूवमेंट जो है स्टडी नहीं है, तुम ये हिला रहे हो उसका मतलब तुम सो रहे हो, तो वो भी करता है। तो कुछ चीजें तो हैं, और बेसिकली मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी बात यह है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये सब आ रही हैं। अल्टीमेटली तो एक टेस्ला ऑलरेडी है जिसमें सेल्फ ड्राइविंग कार है, मतलब उसमें आपको कुछ नहीं करना, जबकि वो कहते हैं कि थोड़ा सा टच करो स्टीयरिंग पे, नहीं भी करो तो भी वो अपने आप जा रही है, अपने आप पूरा कर करके पूरा जा रही है, ब्रेक मारती है तो। मगर इसमें सेफ्टी के लिए कोलिजन वाली सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, सेफ्टी के लिए, कि सामने कोई बंदा आता है इमीडिएटली ब्रेक मारो, कई बार ध्यान नहीं होता आपका, कई बार आप यूं देख रहे होते हैं सडनली को आए ब्रेक, तो वो तो मेरे ख्याल से अगर इस प्राइस रेंज में आता है तो सब लोगों को लेना चाहिए कोलिजन वाला, कि सामने कोई आए तो ब्रेक लगनी चाहिए, भैया अपने को टेंशन नहीं चाहिए, वो तो लेना लेना चाहिए। और दूसरी बातें जो है वो ठीक है, वो अगर आप अटेंटिव है तो आपको नहीं चाहिए होगी, बट अल्टीमेटली मेरे ख्याल से इस प्राइस पे आ रही है सब ले। सिर्फ ये कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, क्रूज कराया बैठे अपने आप रुकते रहेगी। वही तो ये कह रहे थे कि आप इतनी ट्रैफिक में होता है, जब जा बार बार रुकना पड़ता है तो आप बस ऐसे बैठ जाओ, अपने आप चलाएगा रोकेगा चलाएगा, सारी गाड़ियां क्रूज कंट्रोल पे जा रही होंगी, अडेप्टेड पंगा ही नहीं आपको, आप शांति से टेंशन भी नहीं है, थके हुए नहीं होंगे, तो काफी अच्छा किया है। मेरे ख्याल से महिंद्रा अगर इसमें लीप ले रहा है, अब सब लोगों को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इनकी गाड़ियां फटाफट बिकेंगे, दो लोगों को कंपीट बाकियों को भी वो सब ये सब लाना इसी प्राइस रेंज पे, इसी प्राइस रेंज पे, क्योंकि जैसे बता रहे थे कि यही ये लग्जरी गाड़ियों में होती है और बहुत महंगी मिलती है, ये वो भी एक्स्ट्राज में मिलती है, तो इन्होंने इतनी मतलब अच्छी प्राइस रेंज में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए कि मजा ही आ गया। और इनमें एक और अच्छा था कि जो जब आप इंडिकेटर मारते हैं साइड का, तो कैमरा वाला ऑन कर देता है, वो ऐसे यहाँ पे भी गाड़ी में था, होंडा की में एक था, और मैंने कहा था मुझे वही गाड़ी चाहिए, पर हस्बैंड माने नहीं थे, फिर हमने कुछ यहाँ, क्योंकि हमारे उस समय की हमारे में सेंसर है, तो अगर मान लीजिए कोई साइड में आता है तो वो आपको इंडिकेट करके वार्निंग दिखाता है कि आपके साइड में है सीधा, तो अगर आप उसमें इंडिकेटर मारे तो और शोर मचाता है कि भैया बता तो रहा हूं तेरे को कि वहां पे इंडिकेटर है, तो फिर भी आप ओवरराइड कर सकते हैं, मगर इतना जरूर है कि आप जब भी कोई भी साइड से आता है तो इंडिकेटर आपको आ जाता है भैया साइड में कोई है, मगर इन चीजों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, मुझे इसमें एक तो लेन वाला भी बहुत अच्छा लगा कि अपने आप वो डायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो मैंने अभी नहीं देखा हुआ, और ये कोलिजन का मैंने सुना हुआ है कि बहुत गाड़ियों में यहां पर भी है, पर मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसे वो ब्रेक मारता है, मुझे भी नहीं पता हमारी गाड़ी में है भी कि नहीं, आधी चीजें तो मुझे अपनी गाड़ी की खुद नहीं पता है, जैसे ये बोल रहे हैं। नहीं, हमारी गाड़ी में जो है ब्रेक वाला नहीं है मगर वार्निंग है,
वार्निंग कि अगर आप जाएं तो पी 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 करते लग जाता कि भैया तुम तो आगे कहां तुम्हारा पंगा आ रहा है, मतलब ब्रेक नहीं मारता। आगे का भी पी 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 करता है, साइडों का भी पी 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 करता है, वो सब करता है पर ब्रेक नहीं मारता। ब्रेक बहुत अच्छी है क्योंकि तब उस टाइम थी नहीं शायद, उस वक्त मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव पैकेज था क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसमें जो भी है ये सब चीजें पैकेज देने पड़ते थे। बट मैंने कहा था स्टैंडर्ड आएगा तब लेंगे, अभी टेक्नोलॉजी भी नई है तो नई टेक्नोलॉजी में क्या पता कभी मेल फंक्शन कर दे जो भी है, मगर भी बाप तो काफी करती हैं वो लोग। पर ये बहुत अच्छा है कि एक्चुअली ब्रेक मार दे। आजकल की बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ऐसे देती हैं कि आपका ब्रेक मार दे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है तो कमाल कर दिया है इन्होंने, तो इतने अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं और प्राइस रेंज फैंटास्टिक है। मैं तो ये कहूंगी, कह रहे 20 लाख, और मैंने अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा मैं बताऊंगी पता नहीं कितने साल पुराना पहले जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी यहाँ पे, छोटी गाड़ी थी वो 20 लाख के आसपास की थी, तो सोचो कुछ भी नहीं था उसमें। और इसमें आजकल के जमाने जबकि महंगी होनी चाहिए आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है विद सच फैंटास्टिक फीचर्स, तो मजा ही आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।